जी, इन्होंने तो सारी कहानी बता दी कि ड्रेसेस, एक्सेसरीज, बैग्स और शूज, पता नहीं और कहाँ निकाह, हमने कहा चलें जी ले जाएं, ज्वेलरी भी। ज्वेलरी भी। और मुझे हैरत है कि जो चीज़ मैंने भी इंट्रोड्यूस कराई नहीं, उन्होंने वो भी बता ये देखें लोग हैं ना, उनके पास साइकिक पावर्स आ गई हैं और अब वो आपका माइंड रीड करने लग गए हैं। तो लिहाजा आप प्लीज़ बहुत ना ध्यान से अपने स्टाइल्स करें, ये ना हो कि स्टाइल्स पहले ही मार्केट में आने से लोगों को पहले ही पता चल जाए कि यार ये स्टाइल तो हमें पता चल गया शाहरुख खान का। इन्हीं के लिए काम कर रही हूँ, जो ये लोग प्रेफर करेंगे उस लिहाज से काम किया जाएगा। ठीक है, ओके शाजिया, टेल मी व्हाट यू डू टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। एक मिनट, लेकिन आप अभी भी हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, वो ये कि शाजिया खान की एक्सपर्टीज क्या है। कमिंग बैक टू यू शाजिया, मेक माई लाइफ ब्यूटीफुल, मुझे अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनाने के लिए मेरे ख्याल से मैं प्रेफर ये करती हूँ कि पहले दूसरों की लाइफ ब्यूटीफुल बनाऊँ, दूसरों के लिए कुछ करूँ, मेरी लाइफ उसके साथ खुद ब खुद ब्यूटीफुल हो जाएगी। सही। तो मेरे ख्याल से फैशन डिज़ाइनिंग में भी इसीलिए आई, इसके अलावा प्रोडक्शन में भी जो काम किया यूथ के लिए इसीलिए किया कि जब वो खुश होते थे और उनको कोई एप्रिसिएशन मिलती थी, मुझे ऐसा लगता था कि बस आई हैव डन इट। ठीक है शाजी, वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं लुबना बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। लुबना कैसी हैं आप? मैं ठीक, व्हाट्स बीन हैपनिंग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, फिट फाट। जनाब बताएं, शो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी गेस्ट आई हुई आज तो। वाकई में आज तो ईद हो गई है ना? ईद हो गई। अच्छा मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जी जी, एस के शाजिया खान। अरे वो तो पहले पूछा था, सेकंड हमारा क्वेश्चन बदल गया, पूछूं? अच्छा क्या था? मैं शाजिया खान की एक्सपर्टीज क्या है? हिंट दूं आपको? ABC। हाँ दे दे आप। चलें ठीक है, मैं हिंट देती हूँ। शाजिया खान की एक्सपर्टीज है लेट्स से बर्गर बनाना, आइसक्रीम बनाना या शूज बनाना? शूज बनाना। वेरी गुड। और आपने जीत लिया जनाब इनका गिफ्ट इनकी तरफ से। शाजिया से बात करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत क्यूट लग रही हैं माशाल्लाह से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग, टेक केयर। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तानिया आप सच में तो नहीं चाहती कि मैं बर्गर्स भी बनाना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, दैट वाज जस्ट टू हेल्प यू नो व्यूअर्स। ठीक है, आई होप आपने यू नो। ओह नो 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 नो, मैंने तो बल्कि एंजॉय किया। अच्छा ठीक है। अच्छा वी व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट? एकदम से यू नो कॉल्स आ जाती थी। अच्छा सवाल चेंज करना है अब मुझे। ठीक है, अब सवाल आप सबसे ये है कि जो वार्डरोब मैंने आज का पहना हुआ है वो किसने डिज़ाइन किया है? ये भी हलवा सवाल है। मतलब सवाल दें इनाम, सवाल का जवाब दें और इनाम हासिल करें। जी शाजिया, तो आप बता रही थीं कि दूसरों की ज़िंदगी खूबसूरत बनाकर आप अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनाती हैं। एग्जैक्टली ठीक है। Exactly. अच्छा टेल मी वन थिंग, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर फिटनेस? आई थिंक माई वर्क, क्योंकि कहीं भी सुकून से बैठने का मौका नहीं मिलता। थोड़ा बहुत डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अगर टाइम मिल जाए डेफिनेटली। लेकिन पंचुअली मैं कुछ चीज़ फॉलो नहीं कर सकती। मुझे अगर मेरी मॉम कॉल करती है, कहती है टीवी पे ये चीज़ देख लो, मुझे उसका भी टाइम नहीं मिलता। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से मोस्टली अगर आप किसी बिजनेस में हैं, किसी काम में हैं और फोकस्ड हैं और डेडिकेटेड हैं और हर बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद ही ज़रा ट्रिम हो ही जाते हैं। सही। क्योंकि आपको ये स्ट्रेस बहुत होता है ना, स्ट्रेस बहुत, स्ट्रेस की वजह से जो कैलोरीज बर्न होती हैं। एग्जैक्टली ठीक है। यू टॉकिंग लाइक डॉक्टर्स। नहीं लेकिन पता है एक बहुत अच्छी रिसर्च है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ऑब्वियसली से कैलोरीज रिलीज होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। यस यू नो दैट्स कॉल्ड कंफर्ट ईटिंग। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? सादिया फ्रॉम कराची। सादिया फ्रॉम कराची, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। योर शो इज गोइंग सुपर्ब, आपकी गेस्ट बहुत अच्छी हैं। वाकई में वो तो बहुत, यू आर लुकिंग ऑसम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा टेल मी, डू यू नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? ऑफ कोर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स लाइक शूज। No, no, no. We have changed our question. Again? Yes. Actually, मैं कॉल मिला रही थी ना, तो I couldn't hear that. Okay. Okay, our next question is, कि आज का जो मैंने वार्डरोब पहना है, वो किसने डिजाइन किया है?
प्लीज आप मुझे हिंट दे दें। Oh my God, that is such an easy question. Shazia Khan. Yes, please. और कौन करेगा? Can I talk to her, please? जी? मैं शादिया से बात कर सकती हूँ? Sure, 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 सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादिया आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। First of all, आपको best of luck कहूँगी। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। Thank you very much. मैं भी सऊदी अरब में रहती थी, लेकिन मैं 2 साल से यहाँ आई हूँ और मुझे आपका अबाया चाहिए। I just want your abaya, please. Definitely, आप आइए आउटलेट पे, आप तशरीफ लाइए और डेफिनेटली आपको वहाँ बायस बहुत अच्छी चीजें पसंद आएंगी आपको। बायस के साथ मैं आपको जरूर आपका आउटलेट विजिट करूंगी, लेकिन राइट नाउ मुझे गिफ्ट तो देना। हाँ, आपको गिफ्ट मिल जाएगा। आप हमारी टीम को अपना नाम और नंबर लिखवा दीजिए और गिफ्ट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वाओ जी, समटाइम्स यू नो जो लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होकर बात करते हैं हमसे और बहुत पैशनेट होकर, मुझे बहुत खुशी होती मुझे है, मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यू नो जिस तरीके से आपको वार्म वेलकम करते हैं। एंड अच्छा, शाजिया शो पर आकर अभी तक की क्या फीलिंग है आपकी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। नहीं, मेरे मुँह पर कहने की बात नहीं, मैं उधर मुँह कर लेती। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। लोग जिस तरह कॉल कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे नहीं लग रहा कि मैं किसी अनफेमिलियर पर्सन से बात कर रही हूँ। सेम हियर, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग है या किसी शो पे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह बिल्कुल नॉर्मल। एग्जैक्टली, आई लव इट। ठीक है, अच्छा शाजिया, यू नो बहुत सारे हमारी लाइफ में स्ट्रेसर्स होते हैं, जैसे हम स्ट्रेस पे बात कर रहे थे इस कॉल से पहले। व्हाट डू यू डू टू रिलीज योर स्ट्रेस? मेरे ज़्यादातर इस टाइप के सवालों का एक ही जवाब होगा, वर्क। बिलीव मी, मैं आपको बताऊँ, रात को जिस तरह मैं प्रिपेयर कर रही थी यहाँ आने के लिए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो मैंने दोबारा से डिज़ाइनिंग शुरू कर दी। अच्छा। एंड इट वाज आई थिंक 3 o'clock इन द मॉर्निंग और मैं बैठ के स्केचेस वगैरह बना रही थी और मतलब मुझे उससे इतना ज़्यादा सुकून मिला और इतना आराम मिला कि मुझे लगा कि मुझे सो जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो उस स्ट्रेस, इसी से स्ट्रेस भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को फोकस कर लें और किसी चीज़ में आप, जिसे कहते हैं कि उस चीज़ में आप ढल जाएं, तो वही चीज़ आपको स्ट्रेस रिलीव करने पे भी आपको मदद हेल्प करती है, हेल्प करती है। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? मिस कोटलैन हियर। कोटलैन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट्स बीन गोइंग ऑन? Nothing, watching your show. Okay, so how's the show? Okay, I want to give answer. Okay, oh, fala, itne impatient hokar mujhse to baat kar le. Gift aapko mil jayega. Okay, please aap mujhse baat kar le. Theek hai, Kurtulan, kya karte ho aap? I'm sports coordinator. Okay, sports coordinator. Wow, zabardast. To kis tarike se, matlab, how do you manage things, yaar? Zabardast kism ki to mujhe baat pata chali. Yeah, jab job karte hain aur jab aise cheezon mein hum involved hote hain to manage kar hi lete hain. Wow, wow, zabardast, zabardast. So tell me, do you know the answer of the question? Yes, I know. जो आपके सामने बैठी हैं, जैसे नेटली आपने उनका ही पहना है, उनका ही डिजाइन है। तो फिर उनका नाम क्या है? शाजिया खान। Wow, zabardast, zabardast, zabardast. आपने गिफ्ट जीत लिया है जनाब। Thank you so much. मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ एक? जी जी। यार मुझे अबाया चाहिए। इनसे कॉन्टेक्ट करें। ऑसम अबायाज है इनके पास, जबरदस्त। मैं ऑसम अबाया चाहती हूँ, लेकिन एज अ गिफ्ट। अच्छा, चलें ठीक है, ये तो आपको शाजिया ही बताएंगी। प्लीज गिव मी अ कॉल बैक, आप नंबर ले लीजिएगा, आप मुझे कॉल करें। ओके, थैंक यू सो मच मैम शाजिया, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। ओके जी, टेक केयर, यू आर लुकिंग नाइस, यू आर लुकिंग नाइस माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, ईमान से मैं बहुत थक गई हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।